यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36, यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। फिर हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए, इस कारण भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लूतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, इस कारण हे परमेश्वर के, हे इस्राएल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडहरों और निर्जन नगरों से जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लूट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है कि वह पराया होकर लूटा जाए, इस कारण इस्राएल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों पहाड़ियों नालों और तराइयों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो तुमने जातियों की निंदा सही है, इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निसंदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं उनको अपनी निंदा आप ही सहने पड़ेगी, परंतु हे इस्राएल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौटाना निकट है, और देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल की नाई बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं और मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चले फिरेगी और वे तुम्हारे स्वामी होंगे और तुम उनका निज भाग होगे और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश न हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जो लोग तुमसे कहा कहते हैं कि तू मनुष्य का खाने वाला है और अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश कर देता है, सो फिर तू मनुष्यों को न खाएगा और न अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश करेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है और मैं फिर जाति जाति के लोगों से तेरी निंदा न सुनवाऊंगा और तुझे जाति जाति की ओर से फिर नामधराई न सहने पड़ेगी और तुझ पर बसी हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे, उनकी चाल चलन में कृतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी, सो जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई और मैंने उन्हें जाति जाति में तीतर बितर किया और वे देश देश में छितर गए, उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे, इस कारण
तू इसराइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इसराइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे, और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हूं। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इसराइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे, और तुम्हारा देश जो सब आने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने की संति जोता बोया जाएगा, और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था सो एदन की बारिशा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गया और ढल गए थे सो गढ़वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इसराइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनके मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों की नाई बढ़ाऊंगा, जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम की भेड़ बकरियां अनगिनत होती है, वैसे ही जो नगर अब खंडहर है वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।